यूपी के अमेठी से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की गुंडई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक ने गौरीगंज कोतवाली में घुसकर बीजेपी नगर पालिका प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह की लात घूसू से जमकर पिटाई की है। ये घटना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मात्र 50 मीटर दूर गौरीगंज कोतवाली परिसर के अंदर हुई है। पूरा मामला सुनने से पहले एक नजर डालिए वायरल वीडियो पर। तो जैसा कि मतदान दिवस के एक दिन पहले ही गौरीगंज नगर पालिका में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। पुलिस पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा की जा रही अवैध हरकतों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह दूसरे दिन काफी उग्र हो गए। विधायक और उनके समर्थकों ने पुलिस पर भाजपा समर्थकों को बचाने का आरोप लगाते हुए कटघरे में लेना भी शुरू कर दिया है। बता दें कोतवाली के बाहर कई थानों का पुलिस बल बुलाया गया था। इसी बीच विधायक ने अपनी पिस्टल निकालकर लाने की धमकी दी, तभी भाजपा प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह कोतवाली के बाहर जाते हुए दिखे। सपा समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और मौजूदगी में ही उनकी गाड़ी को पीटना शुरू कर दिया। धीरे से बचने के लिए दीपक सिंह ने अपनी गाड़ी कोतवाली के अंदर घुसा दी, जहां पर सपा विधायक व उनके समर्थकों ने कोतवाली के भीतर ही भाजपा प्रत्याशी के पति को जमकर पीट डाला। हाथापाई में विधायक के भतीजे अरुणेंद्र सिंह को भी चोट आई है। पुलिस ने किसी तरह से भाजपा प्रत्याशी के पति को खींच कर बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। इसके बाद भाजपा के भी कुछ समर्थक कोतवाली के भीतर आ गए। स्थिति बिगड़ता देख कप्तान डॉक्टर इलामारन कई थानों की पुलिस के साथ गौरीगंज कोतवाली पहुंचे। बाहर कुछ सपा कार्यकर्ताओं को भी मारा पीटा गया है। के बाद यहां पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हुई है। गुंडाई भाजपा के शासन में, योगी के शासन में नहीं चलेगी। उचित धाराओं में उसका उसको जेल भेजिए और सारे लोग जो हमको हटाइए। अवैध तरीके थाने कैसे आ गए? धरना स्थल है क्या थाना? और जो जिला बदर है वो धरना पे बैठेगा। ये है आप लोग मुझे ये थाने से सब जगह कौन है? थाने के अंदर हमारा सीओ साहब इधर आ जाए और इसके बाद मेरा उत्पीड़न हुआ तो इसी थाने में अपने आप को गोली मार दूंगा, ये बता दे रहा हूँ। अपमानित होकर जीने से अच्छा कि अपने आप को मारूं।